रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं, जहां राजधानी रायपुर में सीएम हाउस में बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सीएम हाउस में करीब ढाई घंटे से बैठक चल रही है। बैठक में शामिल हो रहे हैं अचानक कुमारी शैलजा, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस की पहुंच गई अचानक छत्तीसगढ़ दौरे पर, बैठक में शामिल हुई और ऐसे में करीब डेढ़ घंटा हो चुका है, बैठक जारी है, ढाई घंटे बीत चुके हैं। कई मंत्री और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बैठक में शामिल हैं। सरकार और संगठन में बदलाव के भी संकेत हैं। बैठक को गोपनीय रखने के निर्देश दिए गए थे। मंत्री टीएस सिंहदेव भी सीएम हाउस में मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी बैठक में शामिल है। बैठक से बाहर कैबिनेट मंत्री रुद्र गुरु निकलते हुए दिखाई दिए थे। बाकी नेता और मंत्री फिलहाल बैठक में मौजूद है, तो मंत्री रुद्र गुरु ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर ढाई घंटे बीत चुके हैं, बैठक जारी है और रणनीति तैयार की जा रही है। और चलिए इस खबर पर बातचीत करेंगे संवाददाता कुलेश्वर पांडे, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, देखिए कुल मिलाकर ये तो माना जा रहा है कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है, चुनावी साल है, ढाई घंटे बीत चुके हैं, अचानक दौरा और अचानक ये कैबिनेट की बैठक होना, क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल, करीब बैठक को शुरू हुए ढाई घंटा हो गया। फिलहाल बैठक से गुरु रुद्र कुमार और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू निकल गए, लेकिन कुछ ही देर में राजस्व मंत्री जो जयसिंह अग्रवाल है वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे और अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है बैठक जारी है। बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि तीन चार मुख्य बिंदु हो सकता है। एक तो यह है कि लगातार जिस तरह से ईडी अपनी यहाँ पे धमक बना के रखी हुई, लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता को परेशान करने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल के बीते दिनों एक बयान आया था कि मेरा भी जबरदस्ती नाम को शामिल कराने के लिए दबाव बनाया जाए, तो हो सकता है कि इस रणनीति का जवाब कैसे दिया जाए। दूसरा, अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार कई कथित जो घोटाले का आरोप जो है सरकार पर लगा रही है, मुख्य रूप से अगर हम चावल की बात करें, शराब की बात करें और अन्य घोटाले की बात जो लगातार बीजेपी फ्रंट में लेकर आ रही है, तो हो सकता है इस जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसका जवाब ठोस किस तरह से दिया जाए। साथ ही सरकार और संगठन में बदलाव के भी संकेत यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और इसी साल चुनाव होने हैं, 5 महीने 6 महीने से कम वक्त बचा हुआ, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव भी कर दे। क्योंकि कल सीएम भूपेश बघेल का एक बयान आया था, आपको भी याद होगा, सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि भेंट मुलाकात के दौरान रिपोर्ट कार्ड भी मैंने तैयार किया, लेकिन मैं मीडिया को नहीं, मैं जो है पार्टी को सौंपूंगा। तो ऐसे 4-5 मुख्य बिंदु हैं जिसमें बैठक में चर्चा हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अचानक से आना हुआ कुमारी शैलजा का, ये सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय, खूब सुर्खियों बटोर रहा है कि अचानक से कैसे प्रभारी आती है बिना कोई सूचना दिए और उसके ठीक कुछ देर के बाद जो है मुख्यमंत्री निवास के अंदर बड़ी बैठक मंत्रियों के साथ शुरू हो जाती है, तो ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल बैठक में कहीं ना कहीं एक अहम रणनीति बनाई जा रही है और ये सब बिंदु जो मैंने बताया, ये सब मुख्य बिंदु इस बैठक में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम हाउस में बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, बैठक जारी है, पल पल का अपडेट भी आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं।